यार कुत्ते शेर नहीं है पानी में चलो मैं तो देख रहा था घर में मिला चलो बताऊंगा देखो क्या था जो था ना एक सवाल था देखो सिख को वाला क्या सवाल था वो देखो अच्छा सवाल था वो इस तरह का था सवाल भाई है यहाँ से यहाँ तक भी बनी थी रेडियस नहीं होती और ये कैसा था इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये कितने का जगह 30-30 का जगह ंगल में एंगल कितने का हो तो ये 30-30 आ गया ये कितना आ गया ये 1 आ गया है भाई अच्छा ये भी 1 होगी ये भी 1 होगी अब मैं अगर बाई चांस ये निकाल लूँ किसी तरह से तो क्या देगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन बेस का मान ले ए बी है ए बी ए बी कितना आ गया tan 30 की वैल्यू 1√3 इक्वल टू 1 अपॉन ए बी इक्वल टू रूट इसकी वैल्यू कितनी आ गई भैया देखो अब ये कितना जाएगा भैया यहाँ से यहाँ तक के मान ले डी है देख भाई ऊपर कितना है यहाँ से यहाँ तक का एक 2 होगा इस बच्चा बात बहुत बड़े बात से 2 होगा यहाँ तक के 3 √3 होगा ये भी ऐसा ही नहीं आएगी अब इसकी साइड कितनी आ गई क्या आ गई 2 + √3 + √3 तो क्या गया 2 + √3 या 2 ले रहे 1 + √3 ये क्या आ गई इसकी साइड आ गई कैसी है ट्राइंग के लिए इक्विलेटर का फॉर्म क्या होता है √3/5 साइड का स्क्वायर ये नहीं उसका कल भी बताया था मैंने कई बार तो बस ये बस का स्क्वायर करना है आंसर मुश्किल था आसान था कोई नई बात सुनी थी हो सकता था अब तो ही जाएगा हो गया आसान तुम मुश्किल समझ रहे तुम बहुत मुश्किल हो गए हैं ये हाँ ये हाँ ये √3/4 साइड स्क्वायर है कल बताया था कई बार बताया था मैंने ये इसीलिए बताया था मुझे मैंने कहीं सवाल अगर शायद समझ आ जाए √3/4 अगर ट्राइंगल का मैंने बाई 2 × bs × height और वैसे s × s − a − s − b × s − c ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं थी सब सवाल ऐसे थे कोई ज़्यादा पुराने नहीं थे मतलब रायटी में आया हुआ सवाल है बड़ा अच्छा मस्त है सवाल अब तो आगे समझो उम्मीदें हो जाएंगे अगर तुम कोशिश करूँगा सब वही कॉन्सेप्ट है भाई ये देखा करो कि क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा नहीं देखो भाई एक बहुत अच्छी चीज़ चलने वाली बहुत इजी मस्त मस्ती से पढ़ा करेंगे एक होता है मैं सीरीज सिखाऊंगा मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि भाई अर्थमेटिक GP हारमोनिक नहीं देखो जी पढ़ा नहीं कुछ क्या पढ़ा है कुछ क्या पढ़ा नहीं कुछ क्या ये बताएं नाम ही सुना था मैंने तो क्या होता है एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही सिखाऊंगा मैं क्या होता है बड़े अच्छे हाँ अलग से ये चल रहा हो हाँ जी बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP क्या होता है भाई सुना है नाम सुना तो नहीं क्या होता है हाँ देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले इससे पहले आएगा एक आएगा सीक्वेंस आता है सुना तुमने सीक्वेंस क्या होती है क्या होता है अनुक्रम क्या है एक क्या होती है सीरीज एक होती है प्रोग्रेशन ये तीन चीजें होती है सीक्वेंस सीरीज और प्रोग्रेशन ये सिखाऊंगा मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन GP AP मैं कर रहा इसकी बात फिर GP
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक बार बताऊंगा, एच पी एक के बाद अलग ही एक तरह की एक्स्ट्रा होती है, मिस्केलेनियस, ये चार चीज होता है। ठीक, मैं तुम्हें सीधा ये याद सीखा कि इससे पहले ये आना चाहिए कि सीक्वेंस हो क्या भाई है। सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होती है, सुना कभी किसी ने, सुना होगा, वो मोबाइल बंद कर देता जब चलाते हैं। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज ए नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा का है, इसका नंबर ऑफ कलेक्शन डाटा का है, इसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए ये वर्ड, ये इसका अल्फाबेट का कलेक्शन है भाई, ये सीक्वेंस आ गई, ये ब्रैकेट में रख दो, जैसे डाटा ये, या कहते हो 2, 8, 10, 12, ये, या जो है फ्रूट रख दे भी अलग अलग, ये क्या आ गई, सीक्वेंस आ गई, क्या आ गई। अगर इन नंबरों का if we add or subtract this number, that is we get sequence have two type, sequence has two type, दो तरह की sequence होती है, एक क्या होती है finite और एक infinite। जैसे ये भी हो सकती है sequence, तो एक ये भी हो सकती है भाई, and so on, ये नहीं हो सकती, ये भी डाटा है, डाटा है नहीं है, ये भी डाटा है, ये भी डाटा है। अब सीक्वेंस जो है दो टाइप्स होती है, कौन कौन सी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हुई है फाइनाइट जो गिने जा सकते, ये क्या किया है फाइनाइट, ये कैसी है finite. तो सीक्वेंस है फाइनाइट, एक तो फाइनाइट हो गया और ये क्या हो गई इनफाइनाइट, इनका एग्जाम्पल भी दे दिया दोनों का मैंने, तो सीक्वेंस क्या हो गया, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ये सीक्वेंस आ गया। सीरीज क्या आ गया, इफ ए सीक्वेंस, अब मैं सीधा कहूंगा ए सीक्वेंस, सीक्वेंस समझ गए, ए सीक्वेंस इफ वी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग साइन, तो फिर ये लिख के क्या करते हैं, तो क्या बन जाती है, एक वो सीरीज, अब ये सीरीज बन गई है वाली, 2+8+10+12 इस तरह, दैट इज ऑल टू द सीरीज। ठीक, ये या ये 2-8-10+ या माइनस कुछ भी आ जाए, ये भी सीरीज हो सकती है। सीक्वेंस तो ऐसा होता है ना, ये बढ़ते बढ़ते क्रम में, मतलब इसके बाद यही आनी है। हाँ, ये समझ में आ गया, बिल्कुल सही कह रहे तुम, ये क्या आ गया सीक्वेंस समझ में आ गई भाई, जो सीना मैंने बताई थी नहीं, सीरीज समझ में आ गई, इनकी बात, इनकी भी बात समझ में आ गई, आई इनकी बात समझ में थोड़ी बहुत ही, वो अब है इनकी बात, यहाँ अभी प्रोग्रेशन में कि हमें भी वो ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन, ए सीक्वेंस इफ वी गेट ए सर्टेन ऑर्डर, एक खास ऑर्डर में रखे हमने, कोई सही है तो कोई ऑर्डर रखा गया मैंने, यहाँ तो रखा भी ऑर्डर लिया, यहाँ 20 रख दूंगा, ऑर्डर नहीं है ये कोई, क्या है, इफ ए सीक्वेंस इफ वी गेट ए सर्टेन ऑर्डर इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। आई बात में, जैसे क्या प्रोग्रेशन, जैसे मान लिया देखो ये खास ऑर्डर है, देखो ये इसके अंदर क्या ऑर्डर है, ये देखो ये सब खास ऑर्डर है, ये है नहीं, वो खास ऑर्डर है, क्या का ऑर्डर है, ये स्क्वायर है, ये नंबर का फर्स्ट जो है ये ओल्ड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये तो है एक खास ऑर्डर हो गया ना, इफ वी हैव ए सीक्वेंस इन सर्टेन ऑर्डर दैट इज वी गेट दैट इज कॉल्ड टू द प्रोग्रेशन, द नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा सीक्वेंस, और सीक्वेंस हैव टू टाइप, फाइनाइट और इनफाइनाइट, सीरीज सीक्वेंस के अंदर प्लस या माइनस कर दो, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग कर दो, ये सीरीज हो गई। और अगर सीक्वेंस को एक सर्टेन ऑर्डर में रख दिया, कुछ खास ऑर्डर रख दिया, तो क्या हो गया, वो प्रोग्रेशन आवाज में होगी, बात इनकी इनके दिमाग में घूम रही हो, तो प्लस माइनस पढ़ रखा हमने, है नहीं, बात इन्हें भी पढ़ रखी गई ना, ठीक है वो भी पढ़ रखी, लिंग वो नहीं आई अभी तक, क्या है बात तो आती रहेगी तुम्हारी, जैसे ये तो बात समझ में आ गई, मिटो तो भाई कम से कम नाम पे लिख लियो, सीक्वेंस सीरीज और प्रोग्रेसिव। अब मुझे जो स्टडी करनी है कि हम पढ़ेंगे भी है आज के बाद, अभी हम क्या करें, प्रोग्रेसिव, ये होती क्या है प्रोग्रेसिव।
अब क्या है ये? ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका छोटा नाम क्या है? एपी। अगर किसी बच्चे का नाम या दूसरा नाम इसका क्या आता है, ये पहली बार आप लोग डिफरेंस ईपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंस ईपी। ठीक है, यहाँ तो बात नहीं होगी। इसको जिस तरह किसी बच्चे का नाम विनोद कुमार उपाध्याय का, हमें कोई कहेगा अगर विनोद कुमार उपाध्याय जी कहाँ हैगा, अब विनू विनू हैगा जी, और विनोद का विनू का विनू कहेगा छोटा का। तो अब मुझे ये शायद अब बार बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिख के क्या लिखा लूँगा मैं, तो ए पी समझ जाऊँगा। ये होती है ए पी। ठीक है, अगर मान लिया कोई एक सीरीज है प्रोग्रेशन, तो समझ गए कोई पैटर्न होगा। मान लिया कोई प्रोग्रेशन है, ए है, क्या है ए, क्या फर्स्ट टर्म है भाई, और इसका डी जो है कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। यहां तो बात नहीं होगी। कॉमन डिफरेंस क्या हो, प्लस भी करके आ गया, माइनस भी करके आ गया, डिफरेंस ही तो होता है, बड़ी भी कम भी हो सके। जैसे मान लिया कि चार है तो 11 भी डिफरेंस हो सके और माइनस 3 भी आ सके, नहीं 4 और 7 नहीं 4, चलो 4 6 10, 4 माइनस 6 2, ये भी आ सके, ये भी डिफरेंस हुआ, ये भी डिफरेंस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस के, ये तो है फर्क, डिफरेंस मतलब फर्क ही तो माइनस भी होता है डिफरेंस का, मतलब डिफरेंस और माइनस में क्या फर्क होता है भाई, पता है? डिफरेंस और माइनस सब का क्या फर्क होता है? बच्चे पता ही चिड़िया उड़ी कहां ए डिफरेंस बी, ए क्या फर्क है इसमें, जोन सा बढ़ाओ उसमें से घटा दो, जोन सा बढ़ाओ ये है। अगर 6-4 है तो जब भी 2 और 4 माइनस जो बड़ा उसमें करता है, इसे डिफरेंस बोलते हैं। फिर डिफरेंस में ये क्या है, ये तो अगर ए फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर डी इसका जो कॉमन डिफरेंस है, तो मान ले फर्स्ट टर्म कितनी आ गई इसकी ए, नेक्स्ट टर्म क्या होगी ए प्लस डी, अगली क्या आएगी, फिर आगे ए प्लस, फिर आगे ए प्लस 4D, फिर आगे लास्ट में क्या जाएगी, हैं a प्लस n माइनस 1, हाँ a प्लस n माइनस 1D, वो है जो तुम कह रहे थे कि एक या कुछ टर्म्स के इसके सिस्टम में या तो प्लस कर दूँ या क्या कर दूँ माइनस कर दूँ, फिर आएगी वो। ये क्या होती है, वो ये ही सीरीज जो हमसे है वो AP है, ये है वो चीज़ जो तुम कह रहे थे। ये चौथे स्टेप पर भाग रहे थे एकदम, अब तुम मिला हुआ दिल को सुकून, और भाई सही पढ़ा मैंने, गलत ही पढ़ा है। तो ये क्या होता है कि ये क्या है बेटे, यहाँ और डी क्या है, डी किस तरह का है, डी इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंजेटिव टर्म्स। कंजेटिव किसे कहते हैं, लगातार दो टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डी होगा। हम डी क्या पढ़ाते हैं, डी इज इक्वल टू मीन्स टी टू माइनस टी वन, मतलब टी टू मीन्स सेकेंड टर्म, टी वन का मतलब, ठीक है, मतलब कोई चीज हो द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजेटिव टर्म्स, या तो इसका 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 इन ए पी द कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो हमेशा जो है कॉमन डिफरेंस भी जो है ए पी में क्या होता है, सेम रहता है। इसके बाद क्वेश्चन भी आएंगे, इसी बात का फायदा उठाएंगे। यानी टी टू माइनस टी वन है, तो इस तरह ये क्या आता है, टी थ्री माइनस टी वन भी आता है भाई, और ये क्या आता है टी एन माइनस टी एन माइनस वन भी आएगा, दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ, ये समझ आ गई ना बात, जब डी की डी की डेफिनेशन दी उतारना चाहता हूँ, फिर आगे अच्छा देखो एक और देखो, एक और फॉर्मूला लिख लो अगर लिखना ही चाहेगा इससे पहले, हैं दो वैल्यू सेम नहीं आता क्या, मैं डिफरेंस देखो क्या काम है, डिफरेंस हो कुछ घटेगी या बढ़ेगी,
या कब सेम आएगी, ये जीरो होगा भाई, जीरो आए तो फिर एक ही रहेगी, फिर तो डिफरेंस होगा ना, फिर कहाँ होगा, फिर तो सबका सबका जीरो, सबको सबकी सेम सेम आती रहेगी। अगर मान ले टू है, टू कब आ सकती है अगर ना टर्म्स भी टू, या तो मल्टीशन करके वन की, या प्लस जीरो करके, या माइनस जीरो करके, कुछ फर्क पड़ेगा उनको। इससे गली क्या आएगी, टू इससे गली क्या आएगी, टू इससे गली, टू इससे गली, टू इससे गली, टू 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 आ गई, तो डिफरेंस क्या होगा, अगर टू से है तो सो भाई बात नहीं, समझ नहीं आएगा, क्लियर बोल भाई। देखो यानी डी का फॉर्मूला क्या आ गया, मैं जो रिजल्ट ने आया, तो मैं डी इक्वल टू सी एन माइनस टी एन माइनस वन, एक क्या आएगा इसमें एस, एक क्या आएगा टर्म्स एक इस्तेमाल करूंगा मैं एस, एक क्या इस्तेमाल करूंगा भाई मैं एस, एस का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ, मान ले पहली टर्म्स का जो सम है मान ले एस वन है मान लूंगा, दूसरी टर्म्स का सम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी एस टू, और तीसरी का एस थ्री, और एन का, और इससे पहली का एस एन माइनस वन। अब मुझे लास्ट टर्म निकालनी है कि लास्ट टर्म कौन सी होगी, मान लिया पहली टर्म का सम तो भाई एस वन है, दूसरी का एस टू है, तीसरी का एस थ्री है, यानी फर्स्ट टर्म, फिर दो टर्म का इस तरह है, देखो ये मन समझ में आ रहा हो, अब आ जाएगा, अब यानी फर्स्ट एस वन कितना आ गया भाई वन, एस टू कितना आ जाएगा दो टर्म का सम, ये तो एस टू कितना आएगा, एस थ्री कितना जाएगा एस फोर है, अब इसी तरह यहाँ से एस एन का भी समाएगा, एस एन माइनस वन का जाएगा। अब मुझे टी एन निकालना हो, क्या निकालना हो, टी एन, टी एन किससे निकलता है एन एस टर्म, एन एस टर्म क्या निकलता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, जो यहाँ लास्ट टर्म है इसमें से घटा दो क्या जाएगा एन एस टर्म, कहा था बेटी बताया था एन एस टर्म, टर्म ऑफ एन किस तरह है एस एन माइनस के एस एन माइनस वन, समझ में नहीं आया, देखो इसका एग्जाम्पल कर लिए दिखा रहा, ये कौन सी टर्म है बेटे, ये कौन सी टर्म है, एक दो तीन चार फोर टर्म, ए पी हो गई हो वन डिफरेंस है, फोर टर्म कौन सी होगी, यानी टी फोर इक्वल टू एस फोर माइनस एस थ्री, एस फोर कितनी है टेन माइनस टेन माइनस सिक्स, हो गया प्रूफ, बोलने तो नहीं कभी, रटने वाली बात नहीं हुई, तो क्या आई देखो ये भी रटने वाली बात नहीं, तो D इक्वल टू क्या आ गया टी एन माइनस टी एन माइनस वन, और उसमें क्या आ गया भाई, ये कभी क्या होता है मैंने टी एन क्या होता है टी एन इक्वल टू एस एन माइनस के एस एन माइनस वन, ये चीज नहीं, ये होगी नई चीज, ये वाली और ये वाली, ये थोड़ी नई सी चीजें लगी हुई थी, टी थ्री माइनस टी टू आएगा, इतना तो सही कह रहे बिल्कुल, मैंने बताया गलती में लिखने, जो गलती नहीं करता थोड़ी देर गलती बता दिया, ऐसी तो गलती है, और अगर ऐसी गलती बाई चांस है भी जाए तो माफ भी करते आप ऐसी गलती है भाई, बोल रहा था टी थ्री माइनस टी टू बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी लिखने में गलती है आपकी बात है, इसलिए कह रहा एक तो तुम्हें बता देना चाहिए भाई, अगर फिर भी नहीं ना तुम्हारे ना हमारे तो नहीं हमारे बात है कुछ ऐसी पढ़ा लिखा गया है, अगर वो कहते नहीं कहते हो जोड़ो सवाल तो आती नहीं, बच्चे हमारे कर रखी कॉपी है, कहते नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं कि भाई तुझे पढ़ा सकता हूँ क्या, तेरे मास्टर देख, और वो बच्चे मुझे छेद कहना बजाना ना घर है, अब तेरा मास्टर भी आई तू भी आई ना, तू पढ़ा ना पढ़ाना है, कहते नहीं है, और कॉपी वाली चेक कर रखी है, बच्चे का गुस्सा किसका निकलेगा फिर, वो तुम्हारी काफी इतना तो मैं देख ना कोई घर देखता जो पढ़े तुम्हें, देखो भाई आगे बात समझ में यहाँ तक मजा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बिल्कुल पक्की बात हो जाएगी, अब तो एम से उम्मीद है सीख जाऊंगे, देखो फिर आपकी कोशिश करते हैं, अब क्या होगा भाई, अब तो नाम तो एपी एपी करो जाऊंगा, अब तो समझ में आ गया एपी क्या करो जाऊँ, तो मैंने अगर एपी जान गया एपी पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा मैं एपी एपी बहुत सुनी हूँ, बच्चे पता नहीं देखा कोई क्या बोला कि कहाँ जाएगी, ये देखो भाई क्या आ गया, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वन,
और डी इज इक्वल टू टी एन माइनस के टी एन माइनस वन. तो एक क्या होगा, डी का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, ये टी एन माइनस के टी एन माइनस वन. दिक्कत सुनिए भाई, रटने वाली बात सुनिए. अब टी एन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से एस एन माइनस एस एन माइनस वन माइनस टी एन माइनस वन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से भाई, वन माइनस एस एन माइनस टू. भाई एक कम हो जाएगा, बोल लो क्या आ जाएगा, एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू. समझ में आ गई यहाँ तक के बाद, क्या आ जाएगा एस एन माइनस के एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू. ये प्लस का आ जाएगा, ये मुझे पता ही होगा भाई, बारह माइनस माइनस है तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे. दो दो रुपये देखो क्या आ गया, ये इफ ये क्या आ गया एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एस एन माइनस टू. ये भी एक डी का फॉर्मूला आ गया. क्या आ गया था एक बार सवाल में, कि कोई सीरीज दे रखी ए की, उसके क्या एन एट टर्म दे रखी और एन माइनस वन टर्म दे रखी और एन माइनस टू दे, डी बता दे भाई, बता क्या आ जाएगा. क्या होगा, डी इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ और ये सम ऑफ एन एन माइनस टर्म, सम ऑफ एन माइनस टू, यानी थर्ड गया जी थे कहाँ से, लास्ट से, लास्ट में आई थी एस एन, जिसे बताया था यहाँ एस एन आएगी फिर एस एन माइनस वन यहाँ आएगी एस एन माइनस टू है. ये ध्यान रखना भाई, एस करना सम ऑफ टर्म. एक ये फॉर्म लोगे अपना, तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये नहीं मिलना तुम्हें कहीं, ये बहुत कम फॉर्म मिलेगा तुम्हें. डी इज इक्वल टू एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू. ये अच्छा, अगर क्या करते हैं कि आज में सीधी ए पी लिख लिख बैठे सकती है, इक्वल टू फॉर्म ले प्लस एन का लगातार चले, यही तो होता है, पर अभी ए पी शुरू भी नहीं हुई है. चलो ए पी इज नॉट नथिंग, ए पी इज ए सिंपल सिक्वेंस इफ वी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, या इफ ए पी इज ए सिक्वेंस इफ वी डिक्रीज और इंक्रीज एनी टर्म्स, डिक्रीज और इंक्रीज एनी टर्म्स दैट इज कॉल्ड टू द एक सिक्वेंस है, उसके अंदर कोई टर्म्स है उसके अंदर या तो जोड़ दो या घटा दो, एक ही टर्म मतलब टर्म्स एक ही रहेगी, मतलब मतलब अगर डी घटा दो तो डी घटेगा, डी जोड़ दे तो डी, ये नहीं है कि अलग अलग टर्म्स में एक ही नंबर फिक्स नंबर. तो दैट इज वी गेट टू द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बताया था मैंने, अगर कहीं मान ले ए फर्स्ट टर्म है डी कॉमन डिफरेंस, तो क्या आ जाती है ये ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी. अभी तुमने बताया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक, ये एन एफ टर्म है, ये क्या है एन एच टर्म को कहीं कहीं किताबों में ए एन भी दिया हो और कहीं टी एन भी दिया हो, देख लियो कोई लड़ी होना मतलब इसमें कभी इसी बात पे लड़ाई कर लो. अगर मैं कहीं ए एन लिखूंगा तो क्या मान लूंगा, इन एन एच टर्म कह रहा हूं किसकी, ए पी की एन एच टर्म का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और टी एन का मतलब भी क्या होगा, वही होगा, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स एन, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस.
ठीक, जैसे अगर ये सीरीज है कहीं फिर वही है, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना आ गया भाई, और कॉमन डिफरेंस भी 4 - 4, 2 - 2 डी बी 2 आ गया, ये निकाल लेंगे थ्री टर्म को होंगे, मतलब एन तक के जितने भी निकाल लेंगे। अब मैं अब ये कहता हूँ कि लास्ट से बता भाई, इधर से बता, लास्ट इधर से बता चल, मैं कहता हूँ क्या एन एट टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब इधर से भी तो जब ये इधर से ए पी आ, तो इधर से भी तो ए पी होगी, अब यहाँ देख लो चाहे इधर से नहीं हो पी है, 8, 6, 4 है होनी नहीं, एन एट टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या लिखेंगे, ये तो स्टार्टिंग से समझ ले क्या है, एन एट टर्म्स फ्रॉम द लास्ट क्या आ जाएगी भाई, ये आ जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इन टू डी, क्या आएगा एल माइनस एन माइनस इन टू डी, व्हाट इज एल, एल इज द लास्ट टर्म, जो भी लास्ट टर्म होगी वो यहां लिख लेंगे एल माइनस वन माइनस एन माइनस इन टू डी, यहां से बात में होगी। तो ये दो फॉर्मूले हो गए जो तो शुरू से है, ये कोई कन्फ्यूज तो नहीं है इस बात, यहाँ तक जितना मैंने बताया तो सुन में आ गई, चलो लिख दो आगे, क्यों आएगा भाई, हाँ तो माइनस मैंने कहा तो सीरीज तो वही रहेगी ना जो भी मगर रहेगी भाई, ए नंबर क्या कहा था इनक्रीज और डिक्रीज, कहीं बार गया प्लस कर दो या माइनस कर दो फर्क पड़ेगा, तो फिर यहाँ गए तो माइनस, तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। देखो इसका क्या कॉमन डिफरेंस है भाई, अब इसका क्या होगा, तो ये कॉमन ये फर्स्ट टर्म भी तो यहाँ ये बड़े वाला होगा घटा से वही आएगा, देख ये पापा जी तो बड़े बड़े सारे हो जाएंगे, बहुत बड़ा सारा रखा नंबर ही हो, जो घटेगा तो इसे बराबर कर देगा इसे, और वहाँ फर्स्ट टर्म छोटा सा ले रहे हैं, यहाँ इसलिए प्लस का हो रहा है, दिक्कत तो नहीं कुछ बात नहीं रहनी है, करके देख लीजिए बड़ी अच्छा सवाल था है, ठीक नहीं है निकाल लियो, देखो क्या करोगे, देखो देखो क्या है, कोई कोई 15 टर्म की सीरीज निकाल, 15 टर्म की तो इसका बीच में कौन सा बैठेगा, 8 टर्म बैठेगा, एक तो शुरू से 8 टर्म निकाल लो, और एक देखे हो रहा नहीं हो रहा, हो गया चेक, फिर बैठ कर लूँगा, तो कोई सीरीज बहुत लिखूंगा मैं, सीरीज मैं कोई सीरीज कर लिया, ठीक है भाई, है नहीं आसान तरीका, चलो भाई यहाँ तक की बात हो गई तो आगे बढ़े भाई थोड़ा सा, वो एक सवाल है, अच्छा यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम होगा भाई, समझ में आ गया ना, उम्मीद है समझ में आ जाएगी, मज़ा भी आ गया, पढ़ते कोई ज़्यादा छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े सवाल हैं बहुत सिंपल है, इसलिए ज़्यादा फ्री के सवाल आ जाए, तुम देखो एक सवाल क्या है तुम्हें, अगर कोई ये कह रहा भाई आपसे log a b log a b का स्क्वायर log a b का क्यूब, ये बताना भाई ये ए पी में है क्या, बता एकदम बता दे सीधा जीपी में, देखते ही सवाल हैं, जीपी में जीपी पढ़ाई भी नहीं, कम से कम इतने मैं जो पढ़ा देता हूँ वही पूछूँ, ज़्यादा आगे की बात ही पूछता, देखा है ये तो देखा होगा, जो आगे की चीज़ें बता देता हूँ खुद ही, जो तुमने पढ़ी हो उम्मीद करता हूँ है नहीं जीपी में आए हैं, ये तो देख उन्होंने कहा है भाई, ये तो बड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं है तो इसमें लग जाएंगे हैं, ये लड़ाई बच जाता है, देखो नौजवान आदमी तो सारे हैं बच दी स्कूल में लड़ाई हैं, देखो मैंने क्या कहा था, हाथ सिंगन नारसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि मैंने कहा अगर ये एपी में है तो क्या शर्त होनी चाहिए, उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें से ये टर्म और इसमें से घटा दूं, मैं लड़ाई नहीं करता ना तुम्हारी बात ना इनकी बात, तो क्या जाएगा, अब हो गई किस तरह मारी ना भाई, समझा दी log ab माइनस के log a
यानी क्या आएगा टी टू माइनस टी वन इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू, देखो अभी टू लिख दिया मैंने, क्या जाएगा लॉग ए बी का स्क्वायर माइनस के लॉग ए। दिक्कत तो नहीं है भाई यहां तक के, बताओ हैं? इसका क्या आ जाएगा लॉग, ये है लॉग एम इंटू एन, मैंने मनी बात फॉर्मूले बताया था लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। हाँ शाबाश, तो क्या आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस के लॉग ए, इस लॉग ए से इस पर तो भाई साहब का कॉमन डिफरेंस बी आ गया, अब इधर भी लॉग अगर बी आ जाए तो क्या आएगा बोलो लॉग ए प्लस लॉग बी का स्क्वायर लॉग एम इंटू एन का वो फॉर्म लग गया माइनस क्या जाएगा लॉग ए आगे प्लस लॉग बी, तो तुम्हारी वजह से भाई ये लोग अलग अलग लिखा जाए मिलगा मिला के लिखा जाए तब गलत लिखा भाई ए जो ए यू तो ध्यान रखिए भाई है वो जल्दी हाथ में समझाओगे भाई वो इंग्लिश लिख वो लिखी जाती है जिस तो साइन नहीं लिखते लिखे हैं कहीं साइन को अलग अलग एफ यू बने आई एन यू बने बड़ा खूबसूरत है ये ध्यान रख लो भाई है मतलब कभी वो सोचो कि यार ये तो इंग्लिश में साइन इसको समझ जाएगा साइन है ऐसा नहीं लिखा ऐसा लिखो हैं हाँ रफ मनी मतलब ऐसा है मतलब ये समझ जाइए लोग अलग अलग है भाई। अच्छा ये बाहर ब्रैकेट में माइनस आएगा देखो क्या आएगा ये लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस हाँ ये है लिए बता रहे लॉग एम की पावर एन मैंने फॉर्मूला बताया था एन लॉग एम अगर नहीं ध्यान है तो अच्छे फिर बता रहा लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम मैंने बताया था इनका बार बार जरूरत पड़ेगी इतना तो बताया था तो क्या आएगा ये टू लॉग बी माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी देखो भाई क्या आ गया इस लॉग ए से टू लॉग बी माइनस लॉग बी कितना आ गया लॉग बी तो भाई साहब है ये तो नहीं देख ये तो पहली कह रहे थे है नहीं अब पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे ये भी होगी ये बात है तो जी तो मैंने बेटे से पूछा था मैंने कहा बेटे ये किस तरह है तो आंसर क्या होने क्या होगा इस तरह की चीज़ थी उसने कहा जी यो मैंने कहा किस तो बताया तुमने एकदम बगैर सोल के दी इससे मैथ का अगर जी यही पढ़ा रहे तो यही होगा जब चैप्टर ये पढ़ा रहे तो यही होगा मतलब बेस्ट लॉजिक बढ़िया लॉजिक है मतलब सवाल था ना बगैर सोल के दी बता दो यू नहीं मैं भाई किस तो बताया आपने पता था क्लास में कराया हो मैंने कहीं सुना हो भाई जैसे ये यूट्यूब पर कहीं देख लिया हो अगर ना जी मैंने तो पता ही लगाया मैंने लॉजिक मैं ये पढ़ा रहा हूँ होंगे तुम हो गए भाई बेटे मिटो तू आसान बढ़िया चीज थी अब आगे बढ़ते हैं एक फोटो मार जी नोट कर लो अच्छा कोई बात ये सवाल तो सवाल ही लिया सवाल सवाल मिटे करूँगा क्योंकि मैं ध्यान रखूँ अच्छा सवाल था भाई वो नहीं करा वो तो दो चार छः तो पहचान ही लोगे तुम हैं अच्छा इससे भाई इसका ना पहले समझो नहीं आया था जो तुम तारू थे आज यार तुमने दिखा पहली बार भाई तुमने तो बाजी मेरा समझ मारे मैंने कहा है मैं तो आपकी बात मैं तो अच्छा मैं तो ना देखो मैंने ना आपकी बात मुझे घटाया ना पड़ा है मैंने आपकी तो बात की मैंने आज नहीं आए थे आज ना तो देखो मैंने भी बदल दिया देखिए तुम्हारे कहने थे उनका नहीं समझ मारा ये तो आएगा आगे बात सी एंड फॉर्म नहीं जाता डर गए तुम्हें अच्छा फॉर्म रिटर्न लिया उसके ठीक हो जाएंगे फॉर्म में Thank you.
देखो भाई ये एक सवाल है, क्या सवाल है ये जो है ना, जैसे किताब में तुम्हारी इलेवंथ वाले हों, ये खुद कर लिया अगर यूनिवर्सिटी टू प्लस फोर प्लस सिक्स हैं तो सीधे सीधे बेचारे भाई, जैसे आप तीन किताब में हो, अब टू प्लस टू फोर सिक्स एट का एनवी टर्म निकाल लो भाई, ये एक टू है जो तो करी लो मैंने, अब की हमारी ऐसी उम्र थोड़ी रह गई है, थोड़े तो बड़े हो गए भाई नहीं गए, मतलब वो खुद भी देख लिया किताब किताब में, या वो ही करूँगा यार बच्चों की तरह थोड़े हैं। देखो भाई क्या है सवाल बोल दिया, देखो इफ ए वन ए टू, इफ ए वन ए टू, लिखो यार मैं तुम्हें कहा, इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर इन ए पी, इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर इन ए पी, आर इन सच दैट ए आई इज ग्रेटर देन जीरो, ए आई इज ग्रेटर देन जीरो, ए आई ग्रेटर देन जीरो, वेयर आई इज इक्वल टू वन टू एन, ए आई वन टू थ्री अप टू एन है, देन शो दैट या प्रूव दैट या फाइंड दिस वैल्यू, एक ही बात है, चाहे तुम कहेगा भाई इसकी वैल्यू हमें तो निकालनी पड़ेगी, इसकी जो किताब में लिखवा थी भाई कि प्रूव करो, ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ प्रूव में कह रहे थे फाइंड दिस वैल्यू, एक ही बात है, मतलब वो प्रूव ही करा, फिर नीचे आंसर हो यहाँ चार नहीं है, वहाँ सीधा प्रूव करवा है, ये तो फर्क है बस, तो फाइंड दिस वैल्यू या प्रूव दैट या प्रूव दैट, बात में आ गई बच्चे। देखो भाई मैंने इसे सवाल क्या करा, इसको ये लिख लिया मैंने वन अपॉन रूट वन प्लस वन अपॉन रूट एट, यहाँ तक सवाल तो फिर में आ गया ना पूरे अच्छी तरह, ये ए वन ए टू ए थ्री ए एन कैम है ए पी में है, ये भी ध्यान रखना कि ए वन ए टू ए थ्री अब टू ए एन कैम है आर इन ए पी, बस एक ये कंडीशन दे रखी है, तो और ए आर इन हर एक टर्म जो है जीरो से बड़ा है, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई, सब क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मैंने ये हिस्सा निकाल के ले रखा, यहाँ तक समझ में आ गई, इसका जो कंजुगेट है उल्टा है इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, अगर परेशान ना हो तो क्या आएगा भैया, रूट ए वन माइनस रूट ए टू अपॉन क्या आएगा, रूट ए वन माइनस के रूट ए टू, ठीक, वन की इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, सेम नंबर, रूट ए वन माइनस के रूट ए टू, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस के, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, हमेशा रूट हट जाता है, तो डायरेक्ट लिख दू ए वन माइनस ए टू, ए वन माइनस के, ठीक भाई, यहाँ से बात समझ आ गई, अब तुम्हारे एक जो तुम कह रहे हो शायद तुम्हें कुछ थोड़ी मदद से मिल जाए, यहाँ से ए वन ए टू ये सीरीज है ए पी में है, तो ए पी में डी क्या आ जाएगा, ए टू माइनस ए वन, शाबाश बहुत अच्छी बात है भाई, और ये है क्या ए वन माइनस दैट इज वी हैव द ए टू, ए वन माइनस ए टू, वी हैव दिस डी इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बोथ साइड वी हैव गेट द ए वन माइनस के ए टू, यहाँ माइनस डी है, तो इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, ए रूट ए वन माइनस रूट ए टू अपॉन माइनस के बी, दिक्कत तो नहीं है भाई साहब, यहाँ तक समझ में है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी सेम आएगी सर, सेम भाई, नाम तो बदले जाएंगे भाई, रूट ए टू माइनस ए थ्री अपॉन ए टू माइनस ए थ्री, कितने कितने ए टू कर दिए भाई, वही तो आने भाई, क्या ही हट बोलना, आप भी सुन माने यार, आप तो कुछ बोलने नहीं देख रहे, ये क्या जाएगा भाई इसकी वैल्यू, आप भी सुन मारा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इससे कर लेगी, अच्छा इसकी क्या आएगी वैल्यू बताना आप, चलो हाँ पहले वाला और माइनस दूसरे वाला माइनस के बच्चे माइनस टी, सीधी बात है, इन दोनों की आ रही ए एन माइनस वन माइनस रूट एन अपॉन माइनस टी, सीधी सीधी बात है,
ये सीरीज से तो बेटा जैसा ही है, इन दोनों के बीच माइनस आना ऊपर, और बच्चे ने ना माइनस दिए, सीधी सी बात है भाई। अब तो लिख लूँगा सबकी वैल्यू। अच्छा अब क्या करता हूँ मैं, से इन सब की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी वैल्यू बोल लो, रूट ए वन माइनस रूट ए टू अपॉन माइनस डी प्लस क्या आएगी बोल लो, रूट ए टू माइनस ए थ्री अपॉन माइनस डी प्लस ए बोल लिख लेंगे, तो भाई मानना था ना हो, ए थ्री माइनस ए फोर अपॉन डी। और आगे क्या आएगा यहाँ लास्ट में एन वाले में, ए एन माइनस वन माइनस ए एन अपॉन माइनस डी। हाँ तो बात समझ में आएगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा तुम्हें समझ में, तुम तो ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं करो थी और आज बता रहे हैं। देखो भाई ए टू से ए टू जाएगा, देखो माइनस डी सबके एलसीएम है, ऊपर ऊपर के जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, इससे क्या आएगा ए टू से ये इसकी दावत कर देगा, ये इसकी दावत कर देगा, ये इसकी दावत कर देगा, ये इसकी दावत, ये इसकी दावत। बच्चा कौन सा बगैर दावत के, जिसकी दावत ही नहीं होगी या सबकी होगी दावत, ए वन क्या बचेगा, और भी कोई सा बचेगा, देखो ये बता रहे ए वन बचेगा और ए एन, ये इसका इतना का एड नहीं है कोई, और सब कट मर जाएंगे आप भाई, क्या बचेगा हमारी सुनवा नहीं आ, तो रूट ए वन माइनस के रूट ए एन अपॉन माइनस के डी। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं आई किसी को, आगे बात नहीं। अब फिर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मेरी निगाह भी वहाँ है नहीं, मेरी निगाह तो वहाँ भी रखनी जो आंसर पर ध्यान रखते, तो क्या आएगा रूट ए वन प्लस रूट ए एन अपॉन, फिर ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कर दी कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं, एन भाई नीचे है वो एन ए यहाँ है नीचे लगा ध्यान रखना, फिर वो गलती कर दी आगे, इतना ध्यान रखोगे भाई कभी तुमने साथ लिख दिया, ऐसी गलती की नहीं है। देखो ये क्या आ जाएगा फिर, ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या जाएगा ए वन माइनस ए अपॉन क्या जाएगा माइनस डी रूट ए वन प्लस रूट ए। दिक्कत नहीं है यहाँ तक के, माइनस डी जो है हमारा वो है ना, क्या डी तो डी, हाँ हाँ ए वन माइनस ए टू कहाँ कट जाएगा, ए डी क्या होता है द डिफरेंस बिटवीन टू कंजर्वेटिव टर्म्स, क्या कहा मैंने दो लगातार टर्मों के बीच हो, दो लगातार टर्म है, ये कौन सी टर्म्स है पहली और ये सबसे कौन सी आखिरी, प्रजागण का डी हो। अब तो समझ आ गया बात, अब क्या होगा भाई देखो कुछ ना कुछ तो करेंगे इसका। अच्छा ए वन क्या है भाई, ये फर्स्ट टर्म है, लिख इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ना तुम्हें शक ना मुझे शक, जो माइनस है इसमें भी कोई शक नहीं है, यहाँ तक के तो दिक्कत नहीं है, लो ऐसे भी लिख दिया नीचे माइनस बी रूट ए वन प्लस रूट ए एन, यहाँ तक की दिक्कत क्यों नहीं है भाई, जो ए एन का मतलब क्या है ये क्या कह रहे हैं, अच्छा ब्रैकेट ठीक, ये ए एन क्या होता है, एन एस टर्म है, एन एस टर्म को बताया था मैंने, टी एन ए एन लिख के दिखाया था मैंने अभी, मैंने कहा जरूरत पड़ेगी, ए एन की वैल्यू क्या होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ही कैन से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाय का ठीक, ये क्या आ जाएगा ए वन, तो ए वन है फर्स्ट टर्म, यो लिख लू ये क्या आएगा माइनस ए वन माइनस एन माइनस वन इंटू डी, और ए वन से क्या बचेगा माइनस एन माइनस वन भाई, माइनस एन माइनस वन इंटू डी, और माइनस डी से थ्री माइनस डी कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर n माइनस वन अपॉन, ये है ऊपर भी चला जाएगा बचेगा, तुम्हारे समझ में नहीं आया, हाँ माइनस डी से माइनस डी कटेगा, डी भी कटेगा साथ में, आगे समझो तो क्या बच जाएगा n माइनस वन, ये बचेगा दिख लूंगा भाई से, यह करके दिखाऊंगा थोड़ा सा, बढ़िया सवाल था
कुछ नहीं भाई जगह ठीक है यार ये चलो भाई तो कर ही लूँगा यार ये हाँ मैंने कहा सही है करना लिखो कंजेटिव हाँ ये वाला इसका उल्टा क्या होता है कंजुगेट रूट ए वन प्लस रूट एन से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ और वो क्यों कुंजी ऊपर वाले आदमी नहीं होते कुंजी ऊपर कर दो जब मिले देखो सवाल में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते सवाल ये है सवाल की कंडीशन में चेंज ना पड़े कुछ भी कर लो सीधा सवाल दिमाग में बिठा लो दफा में क्या है सवाल की देखो ये क्या था वैल्यू मेरे पास ये थी ये तो थी नहीं इससे कट जाएगा फिर फर्क पड़ा एक से तो मल्टीप्लाई कर ही सकूँ एक ही तो है जो अब कर सकूँ बस कुछ भी ना ऊपर नीचे दिया ना ध्यान रखो नीचे का नहीं वो सामने गया नीचे गया आज लग के तो है लिखो भाई एक सवाल उतार लिया आपने ये नहीं आता सवाल सुनो अच्छा लिखो भाई शुरू बड़ी अच्छी बात है बुरा ना मानना बुरा मैथ में थोड़ा वो नहीं आता इंटरेस्ट कम आता है ना जैसे केमिस्ट्री है बायोलॉजी है उसमें पता चलता है हो क्या रहा है तुम तो हमेशा यहाँ करते हो चाहे आ रहा ना आ रहा हो चलो देखो इफ पी क्यू एंड आर द टर्म्स ऑफ एन ए पी इफ पी क्यू If P, Q and R the terms of an AP, क्या लिखा भाई If P, Q and R the terms of an AP, then prove that there exists a rational number k such that ये इस तरह लिखो r minus q upon q minus p equal to k
प्रूव दैट रूट थ्री रूट टू रूट थ्री रूट टू कोमा रूट थ्री एंड रूट फाइव कैन नॉट बिटवीन ऑफ ए ए पी ऑफ ए पी ए पी मतलब समझिए ऑफ ए पी विथ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस विथ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस विथ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस देखो भाई सवाल क्या है सवाल कुछ थोड़ा समझ नहीं आया सवाल हो गई ज्यादा महाभारत सी है क्या सवाल है पढ़ो सवाल हाँ देखो क्या कह रहा है ये देखो पी क्यू एक पी क्यू आर ये टर्म्स हैं ए पी के टर्म्स हैं दे दिए इसलिए पी कोई सी टर्म्स है क्यू कोई सी आर कोई है ये तो कह रहा अब आगे प्रूव दैट हाँ एक कोई रैशनल नंबर है किए इस तरह के मैं इस तरह के मैं आर माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी इस तरह के हैं यहाँ तक बात समझ आ गई आगे प्रूव दैट कि ये प्रूव करना है कि रूट टू रूट थ्री रूट फाइव इसके कोई भी टर्म्स में नहीं है इसमें कोई टर्म है ही नहीं है कोई क्या है कि ए पी में इसकी इस वाली थ्री की बात कर रहा है नहीं हमेशा के लिए नहीं ठीक है रूट टू वो भी जाए वहाँ अच्छा अब मान लिया ये पी मान लिया पी क्यू आर टर्म्स आर या उसका आंसर है ही थी मान लिया पी क्यू आर टर्म्स आर कौन सी टर्म्स हैं ये मान लिया एल एम एंड एन है रेस्पेक्टिवली क्या कहा मैंने यानी कि पी जो है टर्म्स कौन सी थी एल वी के टर्म की वैल्यू पी है और एम वी टर्म्स की वैल्यू कितनी है क्यू और एन वी टर्म्स की वैल्यू यहाँ तो बात सुनो आगे मान लिया मैंने तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं अच्छा जब एल वी एन का मतलब एल टर्म्स ए एल का मतलब कितना जगह पी ए एल वी टर्म्स का मतलब क्या जगह वो सीरीज है मान लिया लेट दैट इज सीरीज हैव द फर्स्ट टर्म कितना है ए कॉमन डिफरेंस कितनी है इसकी डी ए पी है तो ए डी होगा इसमें लेट फर्स्ट टर्म कितनी है ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी ये समझ में आ गया और ए एल इज इक्वल टू कितना आ गया पी ए एल इज इक्वल टू पी ए एल की वैल्यू कितनी है हाँ पी ए एल की वैल्यू कितनी है ए प्लस एल माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू पी बोलो तो क्या आ जाएगा अच्छा इसी इससे क्या आ जाएगा सिमिलरली इससे इन इन दोनों को भाई की रिश्तेदारी आ जाएगी क्या आ जाएगा बोलो एम इज इक्वल टू बोलो एम इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस एम माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू क्या और आगे क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू ये फर्स्ट आ गई ये सेकंड आ गई है भाई यहाँ से बात समझ में नहीं आएगा भाई कोई नई बात तो नहीं बताई मैंने सब कुछ आ गया था तुम्हारे पास नई बात कुछ नहीं है दो और तीन तुमने जोड़ रखा जितने मैथ में क्या होना प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन बस यही नहीं होता है बुढ़े हो जाएंगे तो करते यही मैथ है सब कुछ आ गया तुम्हारे पास बस थोड़ी सी अकल लगानी जरूरत है देखो मुझे चाहता है आंसर में आर माइनस क्यू इसमें से घटा दो बाई थर्ड एंड सेकेंड आर माइनस क्यू क्या आ जाएगा बोलो भाई देख लो भाई मैंने आर उतरा ये बिगाड़ दिया मैंने जो आर आया था ये थोड़ा गलती था देख लिया भाई फिर मैं लगता हुआ ना तो आर माइनस क्यू क्या आ जाएगा बोल लो इक्वल टू क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी माइनस ए प्लस एम माइनस वन इन टू डी भाई ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी माइनस ए माइनस एम माइनस वन इन टू डी इस ए से भाई साहब ए चले जाएंगे इन दोनों में डी कॉमन ले लूं एन माइनस वन माइनस एम प्लस वन बोलो भाई चलो समझ में आ जाता होगा इस मन से बन जाएगा
क्या डी एन माइनस एम बोल तेरा इज इक्वल टू क्या आएगा आर माइनस क्यू आ गया ठीक है अच्छा आर माइनस क्यू क्या आ जाएगा ये अच्छा डिफरेंस क्या जाएगा आर माइनस क्यू इज इक्वल टू एन माइनस एम इक्वल टू डी आ गया भाई बगैर रिलेटेड है अच्छा अब मुझे क्या निकालना है क्यू माइनस पी करूंगा डायरेक्ट बता दो क्या आएगा इसका डी इधर से डी क्या आएगा नहीं बताओ डायरेक्ट क्या आएगा इसे देख के देखो इन्हें दोनों को लिया तो ये आया जब बाई फर्स्ट एंड सेकेंड लूंगा Q माइनस पी क्या आ जाएगा बोल लो डी कितना आ जाएगा Q इज इक्वल टू क्या जाएगा बोलो Q माइनस पी अपॉन M माइनस L M M माइनस L M माइनस दोनों क्या है ये दोनों क्या है इक्वल है इक्वल है तो लिख दो भाई इससे मान लिया ये A है इक्वेशन ये डी है दोनों की वैल्यू इक्वल लगी तो भाई ए पी की वही शर्त है मेरी डी है डी पर डिपेंड है मेरा तो जो डी है दिया जाता है बिल्कुल ही सुई का ना बिल्कुल है तलवार की तो है नियम है बिल्कुल दोनों डी इक्वल होते हैं तो क्या आ जाएगा बोल लो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू अच्छा क्यू माइनस पी नीचे आता आर माइनस क्यू इज इक्वल टू एन माइनस एम इज इक्वल टू क्यू माइनस पी अपॉन एम माइनस एल भाई अब भी नहीं बात नहीं है अच्छा इसके फोन वगैरह लिखने भाई इन्होंने कहा कि इसके नीचे फोन में लिख दो हैं ये तो कहा आपने देखो भाई इन्होंने कहा है कि आर आर माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू एन माइनस एम अपॉन एम माइनस एल दिक्कत तो नहीं आ सकती बिलू मक्खन सवाल लग चल रहा बिल्कुल मैंने देखो बड़ा हो रहा मतलब मक्खन सवाल चल रहा था देखो भाई ये जो एन टर्म्स मलना एन टर्म्स एम टर्म्स होती है भाई ये क्या होती है कोई नंबर होगा ये कौन सी टर्म्स होगी पहली दूसरी तीसरी ये तो होगी ये भी है ठीक होगी ना ये रैशनल नंबर होगी ये इरेशनल होगी टर्म्स रैशनली तो होगी यानी एल एम एन कैसे हैं रैशनल नंबर हैं इंटीजर होगा नेचुरल नंबर कुछ भी होगा है ये एक ही बात है तो रैशनल नंबर होगा ये n माइनस एम कैसा नंबर होगा ये रैशनल है और ये तो रैशनल अपॉन रैशनल क्या आता है अब मान लें वो कह रहा कि एक कोई नंबर अपनी तरफ सच दैट के मान लेता क्या कह रहा है तो के के भी हो सकता है नंबर ही हो नहीं सकता और यूनिक प्रूव करना था ये के तो हो गया ये तो अपनी तरफ से मान लेते एल एम एन का नाम था मेरे पास ये तो वैसे ही मान्यता भी तो किए मान्य भाई किताब वाले मान ले भाई तो वेटो किए मान्य मान ले भाई आगे बात नहीं हो गया प्रूफ अब एक छोटा हिस्सा हो रहा है कि गहरा है अब ये भी बता बेटे कि रूट टू रूट थ्री रूट फाइव के अंदर होंगे का ये क्यों हाँ तो इसमें होने नहीं किस तरह पता लगा भाई मुझे तो पता नहीं लगा एकदम देखते ही साहब मैं इसमें इसकी बात आ रही इस सीरीज की इसकी बात आ रही वैसे नहीं वो रटा रटा नहीं बात चल रही इसकी बात आ रही क्यों नहीं होने आर माइनस क्यू देखो यूँ कह रहा वो आगे यहाँ बात तो समझ गए कि रूट थ्री रूट फाइव के अंदर होंगे का भाई वो तो वैसे भाई है नहीं रूट टू सीधा होने चक्कर आना पड़ा है सीधा क्यों नहीं होने देखो भाई मान लिया आर जैसे मान लिया एक कोई एक चीज रूट टू एक रूट थ्री रूट फाइव लिख लिया जिसमें क्या था पी क्यू आर थे पी की जगह तो मान ले क्या आ गया रूट टू ये क्या रूट थ्री लिख दी एक जगह रूट फाइव ऐसे नंबर आएगा तो क्या आएगा बोल रहे यहाँ से क्या नंबर आ जाएगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू इज इक्वल टू के के कैसा नंबर है ये ऊपर दोनों से क्या आएगा नीचे से क्या आएगा और डिवाइड करके क्या आएगा दोनों रैशनल इरेशनल इक्वल हो जाएगा कभी कभी हो ही सकता तो जो हमने रमचन वो गलती आया हो ही सकता जबरदस्ती मान लिया तो रूट टू रूट थ्री फाइव देयर नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन एट और बात सीधा सीधा नहीं आगे बात
अच्छा आगे बढ़े मैं थोड़ी सी और ज़्यादा तो भाई ये समझ में आ गया ना बहुत अच्छी तरह भाई सवाल। अब फिर ए पी पर लौट से हम तो फिर मैंने वैसे इधर उधर भाग गए थे अपने क्या जी मैम पी क्यू आर टर्म्स पी क्यू आर द टर्म्स ऑफ लेट 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 पी क्यू आर द टर्म्स ऑफ एल एम एन रेस्पेक्टिवली ये जो है यानी पी क्यू लेट द पी क्यू आर द टर्म्स ऑफ द एल एल एम एन यानी एल एम एन की जो टर्म्स की वैल्यू है पी क्यू आर है पी क्यू दे ना अपनी तरफ से मान लिया मैंने ना जी नहीं कहा डेढ़ लगे प्रॉपर्टी ऑफ ए पी प्रॉपर्टी ऑफ ए पी देखो जब कोई नाम रख दिया उसके गुणधर्म भी होंगे जब कोई आदमी होगा तो वहाँ छः बुरे कुछ होते हैं है नहीं जब कोई मान लिया मोहल्ले में बहू आ गई तो उसकी सब खास बात होगी भाई अच्छी होगी बुरी होगी मैं बहुत बहुत काम कर रखती घर का वो लड़ाई तो जब से आई लड़ाई करवा कितने तो गर्म है इसी तरह इसके भी कुछ खास गुण होते हैं देखो क्या पहले क्या प्रॉपर्टी है कि छः सात प्रॉपर्टी हैं देखिए याद करेंगे देखो समझने की कोशिश करेंगे क्या पहले पहले प्रॉपर्टी है क्या इफ ए बी सी आर इन ए पी ये तीन टर्म्स हैं अगर ए पी में है तो क्या शर्त होती है ए पी की अभी बताया था मैंने कॉमन डिफरेंस सेम हो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी है भाई तो इधर आगे क्या आ जाएगा ये बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू ये प्रॉपर्टी है जो तुम कह रहे टू बी इक्वल टू ए प्लस सी चाहे तो ये कह लो ये बहुत इस्तेमाल होता है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी इफ आर ए बी सी आर इन ए पी देन रीड दैट टू बी इक्वल टू ए प्लस सी और बी कैन से बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू बी इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन बी इक्वल टू द लिख लियो जो जो ही बी है वो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा क्या होता है अरिथमेटिक मीन होता है इनका टर्म्स फर्स्ट का और थर्ड का अपॉन क्या करते उसका हाफ कर दोगे पहली प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई साहब ये इफ वी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ वी ऑफ ए गिवन एपी ऑफ ए कोई एपी है उसमें क्या कर सकते हैं कोई टर्म क्या कर सकते हैं एडेड और
द रिजल्टेंट ए पी विल बी ए पी, द रिजल्टेंट ए पी विल बी द ए पी। अगर कोई ए पी दे रखी उसकी टर्म में से क्या कर दो, एक क्या कर दो, कोई फिक्स टर्म क्या कर दो, ऐड कर दो या कम कर दो। जैसे जैसे मान लिया, जैसे मान ली है ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, ये कोई ए पी में है, वो भी मान ले चाहे डी अपॉन ई, ये कोई ए पी में है कोई है, इसमें चाहे तो फर्स्ट अगर टर्म कर सकते हैं, ये भी ए पी में होगी, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन, आई बात है। क्या कहा मैंने, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, लिखते रहा क्या जो बोल रहा, ये तो लिखने की वह, ये तो प्रॉपर्टी समझ में आ गए, क्या लिखा मैं दूसरी टर्म में, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, If a fixed number is added or subtracted to each term AP, क्या कहा, each term, क्या कहा, हर एक term, to each term of AP, जी जी हाँ, ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये कौन सी हो गई, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, क्या आ गया दूसरी प्रॉपर्टी, क्या आ गई, If है? नहीं ये तो मैंने वैसे ही एग्जाम्पल बताया इसका, ये प्रॉपर्टी तो ये है पहली वाली, वो लिखो वर्डों में जी, वर्ड से समझाऊंगे लोग, क्या दूसरी प्रॉपर्टी, इफ अ फिक्स नंबर इज एडेड, इफ अ फिक्स नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म ऑफ ए पी, रिजल्टेंट विल बी ए पी, अर्थमेटिक मीन बड़ा ए पी है, ए पी रिजल्टेंट सेम ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एपी है, क्या है, उसके एपी में फिक्स नंबर में कोई चाहे कोई नंबर क्या कर दो, प्लस कर दो, चाहे वो सीरीज कह में रहेगी, एपी में ही रहेगी, उसमें कॉमन डिफरेंस भी देख, जब मान लीजिए घटेगी वही नहीं रहेगा, जुगत बन तो वैसे कट जाएगा बेचारा, ठीक है, आगे समझ में, ये भी समझ में आ गई, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, इफ एनी फिक्स्ड नंबर डिवाइडेड और मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई ईच टर्म, बाई हरेक टर्म के साथ क्या करते हैं, कोई फिक्स नंबर क्या करते हैं, या क्या करते हैं, या डिवाइड करते हैं, या रिजल्टेंट, रिजल्टेंट सीरीज विल बी ए पी, रिजल्टेंट सीरीज विल बी ए पी एंड कॉमन डिफरेंस विल बी रिजल्टेंट सीरीज विल ऑल्सो इन ए पी, द रिजल्टेंट सीरीज विल बी ऑल्सो इन ए पी, तो रिजल्टेंट सीरीज है वो भी कैमरा रहेगी ए पी में, आई बात में। अब देखो, अब अगर मान लिया
टू भाई थे ये तीनों नियम समझ में आ गए, क्या नियम हो गए, कितने गुण, तीन चौथे। देखो चौथे के लिए क्या है, समझ में आ गई ना, तीन ही लेंगे भाई प्रॉपर्टी है। देखो भाई अगर ए वन, इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, ये कोई एक सीरीज है, क्या है ए पी में, फिर एक सीरीज है बी वन बी टू बी थ्री बी एन, ए की सीरीज है, इसके अगर कोरस्पोंडिंग टर्म्स प्लस कर दो छह माइनस ए है, विल बी इन ए पी। अगर दो सीरीज दे रखी है ए वन ए टू ए एन ये और ये भी, दोनों क्या है ये भी एपी में है, ये भी इन एपी इज इन, ये भी क्या है इज इन, ये भी एपी में है, ये भी एपी में होगा, विल बी आल्सो इन एपी, ये की प्रॉपर्टी आ गई। यानी इन के कोरस्पोंडिंग टर्म को चाहे तो प्लस कर लो चाहे माइनस, तो मैं दोनों सीरीज भी क्या होंगी, ये तीनों सीरीज एपी में हो जाएंगी, ये भी ये तो गिवन है ही, ये भी एपी में होगी, ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी है ना। आगे बैठते हैं, हाँ जी लिखो जरूर भाई, चार हो गए होंगे, यस सर, पांचवी पांचवी सीरीज क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी नंबर देख लो, तुम्हें पता होगा, मेरे ज्यादा तुम्हें पता नहीं, इफ इफ इन ए पी, इफ इन ए पी टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस आर आल्सो इन ए पी, इन ए पी आर आल्सो इन ए पी। देखो ये क्या है, ये थोड़ी समझ नहीं आई होगी, छोटे कहना क्या चाह रहा है, समझ नहीं आई, आ गई, देखो क्या कह रहा बोलो, मान लिया कोई ए पी है, ये ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अप टू ए फाइव अप टू ए, ये कोई ए पी में है, आर इन ए पी, यहाँ तक बात नहीं आ गई। अब ये कह रहा है कि इनका क्या कह रहा है, बोलो क्या कह रहा है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस मतलब ये ले लिया मैंने, ये ए वन फिर ए थ्री फिर ए फाइव फिर ये भी ए सी में होगी, इक्वल डिस्टेंस मैंने ले लिया ए वन ए थ्री ए फाइव, समझ में आ गया क्या क्या कहना चाह रहा है, अब तो आगे समझ में, या इक्वल डिस्टेंस ये ले लूंगा सर ए टू जो उसका इक्वल डिस्टेंस, इन इक्वल डिस्टेंस वाली नहीं है कि ए वन के बाद सीधा यहाँ से ही वो ले लूँ, इक्वल डिस्टेंस जैसा इधर है ऐसा इधर, ईमानदारी से बिल्कुल ईमानदारी से सबको अच्छी लगती है, इसे भी अच्छी लग रही है ये बात, ठीक है, याद रहेगी ईमानदारी, चलो याद देने का तरीके, अगला टर्म पांच अगर लिख हुई इफ ए वन ए टू, देखो मान लिया कोई ए पी है, मान लिया क्या है, देखो ये देखो भाई
वही लिखना इफ ए वन एल टू अप टू ए एन, ये क्या है, क्या है एपी में, इससे पहले क्या आएगी भाई, इससे पहले ये तो दिक्कत तो नहीं कुछ लिखेंगे, इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन और इन एपी थ्री ट्रम्स, थ्री टर्म्स टेकन इक्वल लेंथ टेकन इक्वल लेंथ इक्वल लेंथ विल बी आर इन ए पी आर इन मले तीन टर्म्स हैं ये ले ली कोई इक्वल लेंथ की, ये एन माइनस के जोड़ दिया, एन माइनस के में कोई क्या कितनी टर्म जोड़ी के, तो ए एन आ गई, फिर के जोड़ के एन प्लस के इक्वल लेंथ नहीं हो गई, समझ में आ गई ना क्या लिखा, यही है बोल लो, इफ ए वन ए टू आर इन ए पी थ्री टर्म्स टेकन इक्वल लेंथ, थ्री टर्म्स टेकन इक्वल लेंथ आर इन ए पी आर इन, अच्छा जब ये एपी में होंगे थ्री टर्म्स, तो अभी बताया मैंने, तो ए एन इज इक्वल टू भाई साहब क्या कर देंगे सीधे ये ए एन माइनस के प्लस ए एन प्लस के बाई टू, अभी सबसे पहली प्रॉपर्टी बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू बाई था, यदि अब तो हो गया ये हो गया ए की हो गई, ये भी चीज है भाई, तीन टर्म अगर टेकन ले लिया कोई इक्वल लेंथ की, टर्म्स कैसे लेनी चाहिए सीरीज में से कहीं से ले लो तीन टर्म, क्या लेन कैसी होनी चाहिए इक्वल लेंथ, तो वो दोनों भी ए पी में होंगे आर इन ए पी आर इन ए पी, समझ में आ गई प्रॉपर्टी भाई, आई प्रॉपर्टी समझ में है बढ़िया, और आगे थोड़ा सा कर ले और, अच्छा दिक्कत तो नहीं भाई, ज्यादा तो नहीं हुआ, दो दिन है, अगर कहीं भी ए पी के तीन टर्म्स मानने पड़ जाए मुझे, क्या मान लेते हैं तीन टर्म्स कहेंगे ए पी के, तो वैसे मैं तीन टर्म क्या मान लेता हूँ, लेट तीन टर्म्स ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, तो भी मानने थे मैंने, तो यहाँ नहीं है चलने, यहाँ क्या मानेंगे, हाँ क्या आएगा, क्या मानेंगे, हाँ क्या बताया, इसी ऑर्डर में मानेंगे, ऑर्डर भी यही रहेगा इनका, खास बात ये है, क्या कहा, ए माइनस बी ए और ए प्लस डी, ये क्या है ये थ्री टर्म्स है, क्या है कि थ्री टर्म्स ए पी, थ्री टर्म्स ए पी, अब फोर टर्म्स क्या मानेंगे भाई, अरे एक फाइव टर्म्स लिख के दिखा चाहिए भाई, हाँ तो क्या मानेंगे, लिख के लिख लिख के चले के बाद, फोर टर्म्स क्या होगी, फोर टर्म ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस डी, ये क्या होगी, ये होगी है, अगर किसी कोई ए पी है मुझे फोर टर्म मानने लग जाए कहीं की जरूरत पड़े, तो इस ऑर्डर में मान लूंगा मैं, रट लिए थे ये फोर टर्म ही मान लूंगा मैं, जो पहली टर्म इसमें क्या माननी थी मैं ए माइनस डी ए ए प्लस डी, फोर टर्म की क्या मान लूंगा मैं, ए माइनस सी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी, आई बात नहीं, फाइव टर्म्स क्या मान लूंगा मैं, लिखे थे फाइव टर्म्स क्या मान लूंगा मैं, क्या ये ए ही तो है बेटे,
तो टूट रही होगी चौबीस रुपये से। जी है टू डी कहाँ जाएगा जब आता ही टू डी के लिए कौन है तीन टर्म्स ये मानेंगे बैठे रखने वाली बात है ए मान थी ए एफ एन डी इसमें थ्री डी आएगा ए इसमें आएगा फिफ्थ वाले में जो तुम कह रही है ना एल ए वो है टू डी रेट रेट पर टू तो है यार पढ़ा था तो टू डी कहीं भी है ये है वो कहाँ डिग्रीज हो रहा देखो ए माइनस डी में डी जोड़ा क्या आ गया अरे ए में फिर डी जोड़े क्या आ गया अब भी नहीं समझ सीधी सी बात है ये तो बताई इससे पहले भी ये कितने फाइव टर्म्स का ये मानेंगे फाइव टर्म्स का फिर एक सवाल जाते हैं उसमें समझ आ जाएगा तुम्हें इसकी जरूरत कहाँ पड़ी यार बारिश हो रही तेज भाई है नहीं कभी छुट्टी बताई भाई ये तो छुट्टी कर दिया नहीं हाँ जाना ठीक है सर हाँ जाना आगे तो सब आए नहीं तो सब छुट्टी है तो सर आगे चलो कोई बात नहीं कोई दिक्कत हुई वो तो नहीं होती तुम्हें कुछ ओकेजन लिए तुम्हें करते घर में कुछ कोई घर में वो तो नहीं करते कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हैं करते हैं तो सर थोड़ा कर लिया है डिवाइडेड पीछे लिखो डिवाइड 32 इंटू फोर पार्ट डिवाइड 32 इन फोर पार्ट विच आर इन ए पी डिवाइड 32 इन टू फोर पार्ट विच आर इन ए पी लिख लिया सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ई एक्स पी आर ई एम एक्सट्रीम द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 7:15 यहाँ सवाल देखो क्या है थक गए मैं जिस कर रहा हूँ भाई मैं थक गया हैं यूँ कर रहे हैं देखो भाई हाँ जमा देखो ठीक है मैं भी ये कहने वाला था यही क्या है नहीं अरे हमारे ज़्यादा बुद्धा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है नहीं क्या जवान हो क्या है ना कि कमर में जान होनी चाहिए जितने भी जवान हो सारे लगा ले तो उन्होंने बैठने कितना 5 मिनट हो सहारे चाहिए इतना पीछे कमर में दम है ही है ना कि हड्डी में दम होना चाहिए सुना होगा यही है वो हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है सबसे बैकबोन सबसे मजबूत जिसकी ये मजबूत है वही जवान है वही ताकत है तुम देखो जिसके मजबूत है फावड़े चला लिया खेत में जिसकी और जिसका है वो दुख जाने वो पीछे जाने वे कट गया फावड़े यूँ कट दिया कर देना है यूँ नहीं कर देता यहाँ से झुका हुआ ठीक है जिसका हिम्मत ही नहीं कहाँ चला लिया कभी कभी उसके लिए ताकत चाहिए रोटे जो फावड़े चलाने वाला रोटे दस्तावेज भी हमारे जो खेती होती है एक बार हम जो है तुम वहाँ लिया बिहार का एक मजदूर था उसने भाई कितने पैसे लेके क्या करें नहीं उसने जो देना हो दे दो भाई मजे रोटी रोटी पकड़ दो हम तो कहूँ
है नहीं। अब मैं हमने सोचा भाई फ्री फट गया तो भाई देखो हाथ में लाले चाहते हैं, अब कोई ज्यादा नहीं है, तुम मुझे दे दो, अगर जिम में जाऊंगे सारे पैसे दे दिए तुम मेरे, भाई ये तो और बढ़िया भाई। और रोटी उसको भाई उसने जो है देखो रोटी मैं थोड़ी ठीक खाऊं, मतलब ज़्यादा भी खाऊं पहले बता दिया भाई देखो। अब हमने सोचा भाई जब हम दो तीन खाए, हम तो दो तीन तीन खाए हैं, मुझे और आठ दस खा लेगा इतनी तो तभी तो भाई जो है मैं उसके लिए पहले दिन था भाई शौक शौक ना, मतलब दोनों खा लेंगे भाई, जो हमारे जो घर काम करता है हम इज्जत करते हैं इंसान है, तो दोनों खा लेंगे भाई बैठ के खेत वक्त खा जाएँ। मैं जो है उसकी और भी काम करने के लिए सीख लाया, मुझे एक तो खुश हो गया, तो उसने कहा मैं वो थी सब्जी बीस रोटियाँ थी वो हैं और चावल चुवल भी थे, तो उन्होंने कहा जी बस मैं खा लूँ, मैंने कहा भाई भूख लग रही है चलो तुम खा लूँ, मैंने बीफ हटा दी, अरे बड़ा चावल भी हैं उनने चावल भी खा लिए। मैं फिर गया, मगर भाई पहले दिन तो नए नए दिन दिक्कत नहीं पड़ती हैं, मैं फिर गया, मैंने कहा भाई वो अच्छा है वो तो हेर में बेचारे घर वालों ने बनाई क्योंकि हेर रुक के देती भाई दूध शाम हुई भाई, मैंने कहा पूरा तकलीफ की है तो भाई जिसने पूरा शाम भी हुई खुराक रही उसकी काम बढ़िया कर रहा था, वो शाम भी ये खुराक रही उसकी हमारा काम अच्छा रह गया। अच्छा थोड़ा सुन लो, बारिश हो रही तो खड़ी रहेंगे, तो शाम में भी वही खुराक रही है तो भाई तीसरे टाइम हमारे घर वाली मम्मी ने कहा भाई चलो पाँच हज़ार वाला नौकर ला दो, तो हज़ार वाले ये काम नहीं उठता रोटी खा लो बाहर तो हर एक का बस का नहीं है भाई, तो उसमें भाई हम तो शाम भाई इतनी रोटी बनाते हैं, इतनी हमारी थाली भी बनती इतने पिल्ला खा लें, तो जो काम करता है हार्ड वो रोटी बहुत खाता है वो हैं, तो रोटी रोटी बुरा कहते नहीं, वहीं से ले चली गई बात ये कि भाई मैं तो रोटी रोटी महंगा रहूँगा है, तो भाई क्या करा ये सवाल करेंगे। फोर टर्म की जो है रेशो जो है एक्सट्रीम और दो बड़ा है इसमें, एक्सट्रीम और मीन रेशो क्या बड़ा है ये एक्सट्रीम और मीन रेशो, अगर ये रेशो में है देखो भाई देखो एक्सट्रीम कौन कौन से वर्ड कहलाते हैं ये बाहर के एक्सट्रीम है बाहर बाहर के बहुत ज़्यादा, मीन कहते हैं इनका, इनका प्रोडक्ट क्या होता है सेवन, इनका प्रोडक्ट कितना होता है इनके प्रोडक्ट का रेशियो, रेशियो किसे कहते हैं अनुपात, ए ए बी का रेशियो क्या होता है ए अपॉन बी में होता है, इनके प्रोडक्ट का रेशियो कितना होता है सेवन अपॉन फिफ्टीन, तो क्या जाएगा इनका। अच्छा एक्सट्रीम क्या आ गया इसमें ए माइनस थ्री ए प्लस थ्री डी क्या जाएगा फोर टर्म्स कह रहा ना, फोर टर्म से यही मान लूंगा। अच्छा और फोर टर्म को कितने में डिवाइड करना है 32 में कह रहा हो, कह नहीं रहा हो 32 डिवाइड इन फोर टर्म है। अच्छा जब 32 को डिवाइड करूंगा इनका सब का सम कितना जाएगा 32, तो क्या जाएगा a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी कितना आ गया भाइयों 32, ये d से d जाएगा, ये d से जाएगा क्या आएगा 4a इज इक्वल टू 32 और a इज इक्वल टू 32 अपॉन 4a इज इक्वल टू कितना आ गया 8। हाँ तो बात सुनवा गई, मैं छुट्टी करा मैं तुम्हारी। अब क्या कह रहा है एक्सट्रीम और मीन, तो ये चार टर्म्स होते हैं, तो ये वाला पॉइंट ये वाला नंबर क्या कहलाता है याद कर लो एक्सट्रीम, और बीच के क्या कहलाते हैं पता ही होगा मीन, ये तो पता होगा। इनका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या आ गया बोल लो ए प्लस थ्री डी और ए माइनस थ्री डी, नीचे क्या जाएगा ए प्लस डी और ए माइनस डी, इसकी रेशियो कितनी है सेवन अपॉन, यही तो है। अब ए की वैल्यू फिक्स कर दूंगा मैं यहाँ 8 और डी की वैल्यू निकाल लूँ वही आंसर हो जाएगा। तो अब वो देखो ये अगर ऑर्डर ना होता फिर ये थोड़ी मल्टीप्लाई हो रही थी आसान सी, ए का स्क्वायर माने 9 डी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए का स्क्वायर माने डी का स्क्वायर हो जाएगा, कर लो मैं कार्ड फिर बात छुट्टी है ना आसान सवाल आगे समझो, ये एक्सट्रीम और मीन समझ में आ गए क्या क्या टर्म्स थे वो। चलो ठीक है भाई आज के लिए इतना ही है, बेस्ट ऑफ लक ठीक है, थैंक्स फॉर ऑल।